नमस्कार, क्राइम ब्रोस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज। शाही नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पालघर जिले के वसई तालुका में चुनाव आचार संहिता का धड़ल्ले से किया जा रहा है उल्लंघन। लोकसभा चुनाव की घोषणा हुए चार दिन बीत जाने के बाद भी पालघर जिले के वसई तालुका में विभिन्न स्थानों पर लगे रिक्शा स्टैंडों के पार्टी प्रायोजित बैनर और बोर्ड को अभी तक कपड़े या कागज के माध्यम से छिपाया नहीं गया, जो कि सीधे तौर से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। आचार संहिता को धत्ता बताने में किसी एक पार्टी विशेष का नहीं, बल्कि सभी पार्टियों को एक जैसा हाल है। वैसे देखा जाए तो जिस तरह तस्वीरों और वीडियो में दिखाई दे रहा है, अलग अलग जगह पे पार्टियों के बैनर या नाम का इस्तेमाल किए बोर्ड के बीच पे सड़क लगाए गए, जो नियमानुसार सही नहीं है या यूं कहे यह इनलीगल है, तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बैनर महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की अनुमति के कोई भी पार्टी या पक्ष इस प्रकार के बोर्ड किस अधिकारी से लगा सकती है। तस्वीरों में एक तस्वीर तो ऐसी भी दिखाई दे रही है जिसमें वसई विरार मनपा के सत्ता अधिकारी बहुजन विकास अघाड़ी को एक हाउसिंग सोसाइटी द्वारा हाल ही में मनपा द्वारा नल कनेक्शन जोड़ने का धन्यवाद दिया गया, जो सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। वही एक तस्वीर जो कि पानी के बड़े टैंक के पास है, वही पीछे नाला सुपारा उप विभागीय पुलिस अधिकारी का कार्यशाला भी है। वसई से यूसुफ अली की एक रिपोर्ट।